अधिक आबादी होने के बाद भी नहीं दिया गया था ओबीसी को पूरा आरक्षण। सरकार ने सार्वजनिक की आयोग की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के लिए पिछले वर्ग की संख्या की गणना कराने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा कराए गए रैपिड सर्वे में कई नगर निकायों में अधिक आबादी होने के बाद भी पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण नहीं दिया गया था। इसका खुलासा उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में किया गया। इसमें ये भी कहा गया कि नगर निगम में तो 25.58% आरक्षण ही ओबीसी को मिला है, जबकि कई नगर पालिका व नगर पंचायत में आबादी अधिक होने के बावजूद पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने सोमवार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। इसे नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। रिपोर्ट में पेज संख्या 120 पर आयोग ने जिलों में किए गए दौरों के दौरान मिली शिकायतों का हवाला देते हुए लिखा है कि आरक्षण की चक्रीय व्यवस्था में तमाम खामियां सामने आई हैं। शासन द्वारा 5 दिसंबर को जारी प्रस्तावित आरक्षण के लिए कराए गए रैपिड सर्वे और चक्रानुक्रम व्यवस्था पर भी आयोग ने सवाल उठाए हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का कई बार जिक्र किया है कि आयोग के सदस्य जिस भी जिले में दौरे पर गए, हर जिले में आरक्षण के रोटेशन पर लोगों ने सवाल उठाए। कोई भी ऐसा निकाय नहीं था जहां इस तरह की आपत्तियां ना उठाई गई हों। रिपोर्ट में कहा गया कि जिलों के दौरे के दौरान आयोग ने पाया कि प्रयागराज, हरदोई, महाराजगंज, बिजनौर, महाराजगंज समेत तमाम निकायों में महापौर और अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण में आबादी को नजरअंदाज किया गया है। बहुत से निकाय प्रमुखों की सीटें लगातार कई चुनाव से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित होती आ रही है। इन सीटों पर एक बार भी पिछड़ों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि बहुत सी सीटों पर पिछड़ों की आबादी 50% से अधिक है। रिपोर्ट में पेज संख्या 120 पर आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि दौर में कई ऐसे शहरी निकायों के बारे में जानकारी मिली है कि वहां पर 4-5 चुनावों से सीटें अनारक्षित ही रखी गई हैं। पेज संख्या 122 पर आयोग ने सिफारिश की है कि ओबीसी की आबादी या 27% जो भी कम हो उतना प्रतिनिधित्व ओबीसी को दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही यह भी संशोधित की है कि निकाय चुनाव के लिए प्रत्येक 5 साल पर एक आयोग का गठन किया जाए। आयोग बनाकर ओबीसी की राजनीतिक पिछड़ेपन की स्थिति जांचने की सिफारिश की है। पूर्वांचल में पिछड़ों की सबसे अधिक 42.19% आबादी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल में पिछड़ों की सर्वाधिक आबादी लगभग 42.19% है, जबकि मध्य यूपी में सबसे कम 27.55% है। रिपोर्ट में बताया गया कि सभी 762 नगरीय निकायों में पिछड़ों की कुल आबादी 36.77% है। सामान्य वर्ग की जनसंख्या 49.43% है। बुंदेलखंड में 38.63% व पश्चिम उत्तर प्रदेश में 37.5% ओबीसी की जनसंख्या मिली है। 17 नगर निगम में ओबीसी की आबादी 25.58% व 200 नगर पालिका परिषद में 42.29% व 545 नगर पंचायतों में 49.55% है।